हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा, ये जो वीडियो मैं अपने सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, वो कौन से बच्चे जिनका एग्जाम मई में ड्यू है। इसमें दो कैटेगरी ऑफ बच्चा है, एक नंबर वन जिनके एग्जाम फर्स्ट टाइम मई में ड्यू है, एक नंबर टू जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम दिए थे पर आप क्रैक नहीं कर पाए थे। ठीक है, आपको मई में अपने एग्जाम को क्रैक करना है जी। ठीक है जी, अब यहाँ पर मेरा पर्पस क्या है आपके साथ, मेरा पर्पस ये है आपको इन्फॉर्म करना कि हम बहुत जल्दी एक फास्ट ट्रैक कोर्स निकाल रहे हैं बच्चों के लिए, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, जिसके अंदर मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है, आपको रिविजन कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर सारे रिविजन के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट हम पूरे करेंगे, स्टडी मैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पास्ट एक्शन पेपर डिस्कस करेंगे, ये सारे काम हम करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेजर पार्ट हम करने वाले हैं इसके अंदर टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जो मेजर इम्पैक्ट आएगा आपका वो टेस्ट से आएगा। जनरली हमारा जो बच्चा है वो एग्जाम में क्यों फेल होता है, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि आप ढंग से अपने आप को टेस्टिंग नहीं करवाते। ठीक है, तो इसलिए मैं हर सब्जेक्ट के ऊपर मिनिमम मैं बोल रहा हूँ आपको 3 से लेके 5 टेस्ट, मतलब मिनिमम 3 टेस्ट तो मैं कंडक्ट करूंगा, 5 टेस्ट तक मैं कंडक्ट कर सकता हूँ उसमें आपके लिए। ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए किसके ऊपर, टेस्ट के ऊपर। ठीक है, एक चीज मैं आपको वापस रिमाइंडर देना चाहता हूँ, ठीक है, एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि याद करो आप क्लास 12th के अंदर जब इतना अच्छा स्कोर करते थे तो उसके पीछे आपका रीजन क्या था, उसके पीछे रीजन यही था आपने बहुत अच्छे से टेस्ट दिए थे। बट यही बच्चा जब हमारा सीए के अंदर आता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वो सेम बच्चा जो 90% स्कोर करके आया क्लास 12th में बट यहाँ पर आके उतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहा, या फिर यहाँ पर आके क्या होता है वो उतना अच्छा, दैट इज वो पास नहीं कर पा रहा, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है, वो सिस्टमेटिकली स्टडीज नहीं कर पाता, ठीक है, रिविजन प्लान नहीं कर पाता, और मेन पॉइंट वो टेस्ट नहीं दे पाता। ठीक है जी, अब आप देखो यहाँ पर जो मैं मार्क्स दिखा रहा हूँ कुछ बच्चों के, ठीक है, वो बच्चे हैं मेरे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा है। ठीक है, किसी ने 92 मार्क्स, किसी ने 85 मार्क्स स्कोर करे हुए हैं। ठीक है, पर आप यहाँ पे कभी कभी क्या करते हो, ये माइंडसेट में तो सीए के अंदर है जी, तो क्या कहते हैं पास हो जाए बहुत बड़ी बात है, एग्जामिनेशन 60 मार्क्स है बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है दोस्त। आप 90 मार्क्स भी यहाँ पे ला सकते हो, आप टारगेट को ही रखो। अगर आप माइंडसेट में अपना बना लोगे हमें 60-70 मार्क्स लाने या 50 मार्क्स लाने, सर उससे भी कम मार्क्स आएंगे आपके, तो आप पहले अपने माइंड के मेंटल ब्लॉक्स खोलो, ठीक है, और अपना टारगेट रखो कि हमें मिनिमम 80-90 मार्क्स का स्कोर करना है, तो कहीं ना कहीं जाके 70-65 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है जी, और उस पर्पज के लिए जो यहाँ पे मेरी तरफ से आपको एक स्पेशल जो यहाँ पे बोलूंगा मैं आपके साथ करने वाला हूँ, वो क्या करने वाला हूँ, आपके टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है, आप ये वीडियो को आगे सर्कुलेट कर सकते हो, ठीक है, आप इन्फॉर्म करो कि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। अब कैसे आप कर सकते हो टेस्ट सीरीज ज्वाइन, ठीक है, या तो आप फेस टू फेस हमारे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आके टेस्ट दो, उससे बेस्ट पार्ट कुछ नहीं हो सकता। अगर से फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो, मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर से टेस्ट दो, आप टेस्ट सॉल्व करके मुझे भेज दो, ये मैं टेस्ट चेक करवा दूंगा, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है जी, तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है वो भी दे सकते हो आप, ठीक है, बट मेक श्योर एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट आप 2 या 3 फुल फ्लेश टेस्ट देना अपने, ठीक है, सीए इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना, ठीक है, आरटीपी सॉल्व करना, आपको बहुत हेल्प करेगा वो चीज। ठीक है जी, तो बस एक सिंपल सा ही ऑब्जेक्टिव था मेरा, ऑल्दो हम सेम चीज हम करने वाले फाउंडेशन के साथ भी, मतलब ये वीडियो अगर फाउंडेशन वाले बच्चे देख रहे हो तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो प्लीज मेक श्योर आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है, अपने आप को डिसिप्लिन वे में रहो, और डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे क्योंकि अच्छे से रिविजन करो, एटलीस्ट मेरे मेरे अकॉर्डिंग आप एग्जाम्स पर जाने से पहले 2 बार रिविजन करो अपने कोर्स को, ठीक है, और कम से कम हर सब्जेक्ट के 3 से 4 टेस्ट दो, मैं पक्का कह रहा हूँ आपके पास बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मतलब हम बात पास करने की कर ही नहीं रहे यहाँ पे, हम हाई स्कोर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए जी, बस यही मेरा ऑब्जेक्टिव था, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, आप अच्छे से वर्कआउट करो, मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि आप सब पास करो अपना सी एग्जामिनेशन, ठीक है, और आपको इस जर्नी में कोई भी मेरी हेल्प चाहिए, ठीक है, आप मुझे बताओ, मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूंगा और ऑनेस्ट आपको सेशन दूंगा, ठीक है, आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बेटा, गुड नाइट, चलते हैं हम।